मानसरोवर तालाब की सफाई के लिए प्रशासन और नागरिकों ने किया श्रमदान। जी हां, ग्यारसपुर का प्राचीन प्रसिद्ध मानसरोवर तालाब जो कि पूरी तरह जलकुंभी से घिरा हुआ था, जिसको लेकर ग्रामीण जन तालाब की सफाई एवं सुंदर बनाने की मांग बरसों से करते आ रहे हैं। मानसरोवर तीनों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ धार्मिक स्थल है। लगातार उठ रही मांग को लेकर एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर श्रमदान का कार्य शुरू किया, जो कि लगभग एक माह तक सामाजिक संगठन एवं ग्रामवासियों के सहयोग से किया जाएगा। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्यारसपुर से शुभम मिश्रा की एक रिपोर्ट। ये आज हम आपको रूबरू कराते हैं ग्यारसपुर का ऐतिहासिक मानसरोवर तालाब। देखा जाता है कि ग्यारसपुर का जो मानसरोवर तालाब है, अगर हम उसकी बात करें तो पूरे भारत के अंदर दो ही मानसरोवर ताल हैं, एक कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और दूसरा ग्यारसपुर में। इतना प्राकृतिक सौंदर्य के बाद भी ग्यारसपुर का जो पुरातत्विक स्थल है, और अगर हम पुरातत्व की बात करें तो ग्यारसपुर में पुरातत्व स्थल में माला देवी एवं अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, और यहाँ दूर दराज से एवं देश विदेश से भी जो रहते हैं दार्शनिक स्थल वो देखने के लिए ग्यारसपुर आते हैं। उसी की एक कड़ी में ग्यारसपुर का ये मानसरोवर तालाब है, जो लगभग 60 से 65 बीघा ज़मीन में फैला हुआ है, और बारिश में ये पूरा भर जाता है। बताया जाता है ग्रामीणों से, अगर इस बारे में हम बात करें तो ग्रामीणों का कहना है कि मानसरोवर तालाब के जब पूर्व ग्यारसपुर में पानी की काफ़ी बड़ी समस्या थी, विकराल रूप में थी, और ग्यारसपुर में लोग रहना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब से मानसरोवर यहाँ पानी भरना लगा है उस समय से ग्यारसपुर में पानी की भरपूर मात्रा में दिक्कत खत्म हो गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम मानसरोवर की बात करें तो इसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रशासन और स्थानीय नगरीय प्रशासन पंचायत विभाग इसमें काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा था, लेकिन इसको साफ करने में नाकामयाब रहा। इस संबंध में जब मीडिया के लोगों ने इसको मुद्दे को उठाया तो इसके बाद प्रशासन, ग्राम के नागरिक संगठन, समाज से भी संगठन इसमें सामने आए, और आज से यहाँ श्रमदान का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों, नागरिकों का कहना है कि अभी तालाब किसी भी विभाग में नहीं आता, इस कारण से इसमें राशि लगाना काफ़ी असंभव नहीं है, और पंचायत के पास इतना फंड नहीं होता कि मानसरोवर की सफाई की जाए। इसलिए सभी समाज से भी संगठन, ग्यारसपुर के जो भी संगठन है, वो सभी आगे आएँ और ग्रामीणजनों से प्रशासन एवं नागरिकों ने अपील की है कि मानसरोवर को साफ एवं सुंदर बनाने की मैं अपनी अपनी भूमिका निभाएं। ताल है, उसमें श्रमदान के लिए स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पंचायत, स्थानीय नागरिक, समाजसेवी संगठन अब इसको स्वच्छ बनाने में आ गया है। उसमें अहम भूमिका ग्यारसपुर एसडीएम श्री शैलेंद्र सिंह जी निभा रहे हैं। उनके सानिध्य में सभी संगठन, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय नागरिक इसको स्वच्छ बनाने में जुटे हुए। आज से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। इस बारे में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं ग्यारसपुर एसडीएम श्री शैलेंद्र सिंह जी, और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कार्यक्रम कब तक चलेगा और इसमें किस किस की भूमिका है और आगे की प्रक्रिया का क्या रहेगी। जी, ये सबके जन सहयोग से प्रारंभ किया गया है। यहाँ जनप्रतिनिधि जो स्थानीय है, वो पत्रकार बंधु, गांव के गणमान्य नागरिक, सब लोगों का और प्रशासन के सभी विभागों का सहयोग है, और आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से ये कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक हम इसको पूरी तरह से स्वच्छ नहीं कर लेते हैं। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार का सहयोग और उत्साह रहेगा तो निश्चित रूप से इस सबकी आस्था का प्रतीक और ऐतिहासिक तालाब स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। और लगभग 20-25 दिन का समय लगेगा ऐसा हमारा अंदाजा है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर ये प्रण किया है कि जब तक पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो जाता है तब तक हम इस कार्य को लगातार जारी रखेंगे।